राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं, राजदीप के वीर हम। जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वही छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजदीप ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे, राजदीप के वृक्ष की ये पलटने ये ढाल है, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल है, राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल है, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है, राजदीप के वीर हम। पड़ी है सैकड़ों कहानियां कमाल की, वीर भोग वसुंधरा आदर्श बेमिसाल की, आज आने देंगे नहीं आन बान शान पर, आंख फोड़ देंगे हम बड़े जो हिंदुस्तान पर, रखते सिर हथेली पर चलते सिंह चाल है, आंधी है तूफान है प्रचंड हम भूचाल है, राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल है, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है, राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम। राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल हैं, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं, राजदीप के वीर हम। जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वही छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राजदीप ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे, शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे, राजदीप के वृक्ष की ये पलटने ये ढाल है, पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल है, राजदीप के वीर हम, राजदीप के वीर हम, काल के भी काल है, कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है, राजदीप के वीर हम। वीर स्थल परेड प्रांगण में उपस्थित होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र कुमार, GSO1 ट्रेनिंग राजपुतला राइफल रेजिमेंट की 10 जून 1995 को 13 में स्थाई कमीशन एवं 7 राज्य COS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त 2008 से 15 मार्च 2010 तक हेडक्वार्टर 311 माउंटेन ब्रिगेड में AANQMG के पद। सुनाई पीछे
वी स्थल परेड प्रांगण में उपस्थित होंगे कर्नल नदीम जावेद, दंडपाल राजपुताना राइफल रेजिमेंटल केंद्र। 11 जून 1994 में भारतीय थल सेना में स्थायी कमीशन और फोर राजेश में कोसी यूनिट में कंपनी कमांडर और दंडपाल के पदभार का अच्छा अनुभव। फोर राजेश में ही सेकंड इन कमांड के पद पर रहकर प्रशंसनीय कार्य किया। आप 19 नवंबर 2002 से दंडपाल के पद पर कुशल नेतृत्व। अभी आपके सम्मुख वीर स्थल परेड प्रांगण में उपस्थित होंगे कर्नल गुरजात सिंह, डिप्टी कमांडेंट राजपुताना राइफल रेजिमेंट के। 14 जून 1986 को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन एवं 21 राज्य यूनिट के सभी महत्वपूर्ण पदों का अच्छा अनुभव। 20 मई 1995 से 25 नवंबर 1996 तक हेडक्वार्टर 120 ब्रिगेड में GS-03-8 के पद पर रहकर प्रशंसनीय कार्य किया। आपने 16 अप्रैल 2004 से 15 मई 2007 तक 20 स्थल परेड प्रांगण में उपस्थित होंगे आज के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सुखजीत सांबा, सेना मेडल कमांडेंट राजपुताना राइफल रेजिमेंट सैनिक। 26 अगस्त 1982 को 15 राज्यों में स्थायी कमीशन, 12 राज्यों के सभी महत्वपूर्ण पदों का अनुभव। आपके साथ 1994 से 1995 तक 35 आर में कंपनी कमांडर के पद पर रहकर सराहनीय कार्य किया। हेडक्वार्टर 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड में GS-03-8 एवं GS-02 वेलिंगटन में GS-02 एवं GS-01 कोर के पद पर रहकर सराहनीय कार्य किया। सन 1995 में DSSC वेलिंगटन मद्रास यूनिवर्सिटी से MSA डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में प्रथम श्रेणी से पास किया। सन 2000 में डिप्लोमा इन सीनियर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू में प्रथम श्रेणी से पास किया। आपने सन जुलाई 2002 से जून 2005 तक 21 राज्यों का कुशल नेतृत्व किया। सन 2006 में मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में पास किया। आपने ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम में सराहनीय कार्य किया। आप ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ रक्षा विषयों पर गहन विश्लेषणात्मक रुचि रखते हैं। वर्तमान में सेंट्रल कमांडेंट के पद पर कुशल नेतृत्व। दादा
ब्रिगेडियर सुप्रीप सांगवा सेना मेडल परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा परेड ग्राउंड के बाएं ओर से परेड ग्राउंड में प्रवेश करेगा। ध्वज टोली की कमान कर रहे हैं सूबेदार सुमेर सिंह शेखावत तथा उनके साथ हैं हवलदार अवली तथा नायक महिपाल सिंह। प्राचीन समय से ही हर देश का अपना ध्वज होता है जिसकी रक्षा के लिए पूरा देश हमेशा तत्पर रहता है। आप सभी से निवेदन है कि जब राष्ट्र ध्वज को राष्ट्रीय सलूट दिया जाएगा तो सभी खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें तथा जो साहिबान यूनिफॉर्म में है वे राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। Yes!
धर्मगुरु माननीय पंडित जी एवं मोदी साहब रेडीमेड की परंपरा के अनुसार इन सभी रिक्रूट को हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ गीता और कुरान को साक्षी मानकर शपथ दिलाएंगे। अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े
अल्लाह के नाम पर।